8 मार्च वुमेन्स डे, ब्रेकिंग द बायसनेस। इसकी खूबसूरत मिसाल एज ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जहाँ पे तमाम ख़वातीन को ग्रो करने का, उनको अपनी पूरी सलाहियतों को बताने का, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। अगर आपको पता हो कि हमारे केपी के रीजन में जो पेरेंट्स हैं स्पेसिफिकली, दे डोंट अलाउ देयर डॉटर्स टू गो एंड डू जॉब। बट जस्ट लेट मी क्लेरिफाई यू वन थिंग कि अगर आप एज ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करते हैं, सो यू आर इन अ सेफ हैंड। हमारे पिशावर बेस की तमाम फीमेल्स मेंबर्स, हमारे कोवर्कर्स, वो इस चीज़ की तायीद करेंगी कि पिशावर जैसे माहौल में भी उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, जो अगर इस्लामाबाद बेस्ड या किसी और सिटी के अंदर भी होते तो शायद उनको वो फेस नहीं होती। अगर यहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से कहूँगी तो मेरा इतना ज़्यादा तजुर्बा है, उसके बाद मैं अगर किसी कंपनी के बारे में कहूँ कि यहाँ जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे फोकस किया जाता है फीमेल के हवाले से, इतना कम्फर्टेबल माहौल है। आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं पेश आती। हमारे जो कलीग्स हैं, जो मेल कलीग्स हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं कि फीमेल्स को कोई इशू ना हो, और हर तरीके से वो हमें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उनको ये खदशा या उनको ये डर नहीं होता कि शायद उनकी कैपेसिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया जाए। एज ग्रुप ऑफ कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है जहाँ मर्द और औरतें एक साथ काम करते हैं, और यहाँ का माहौल एक फैमिली की तरह है। ये एक ऐसा शोबा था कि जो सोचा जाता था कि रियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ जो है मर्द हजरात ही इसमें अपने आप को मनवा सकते हैं, लेकिन एज ग्रुप ने ये शो किया है अपनी प्रैक्टिकल एटीट्यूड से कि यहाँ फीमेल भी आकर अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकती है, और यहाँ वो अपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म में अवेल कर सकती है। एज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सबसे पहला इस चीज़ बात को ही मद्देनज़र रखा कि यहाँ पे चाहे मर्द काम करें चाहे औरत काम करें, उनके अंदर कोई तफरीक नहीं रखें, बायसनेस को ख़त्म करें। यू कैन से रिक्वेस्ट और रिकमेंड टू प्लीज लेट योर डॉटर्स कम इनटू द सेक्टर एंड ज्वाइन एज ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू।